करेंगे नोटिस क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में नोटिस के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नोटिस और उसके इंपॉर्टेंस को केस लॉ के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम नोटिस क्या है उसके लिटरल मीनिंग को देखें तो इसका मतलब है टू हैव इंफॉर्मेशन और टू हैव नॉलेज अबाउट फैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस। नाउ जब हम फैक्ट्स या ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं नोटिस के इंपॉर्टेंस को। चलिए सिचुएशन वन मान लो मिस्टर एक्स परचेज करना चाहते हैं मिस्टर बॉय के प्रॉपर्टी को। अब मिस्टर बॉय मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर मान लो कल को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो लाइबल कौन होगा? लाइबल मिस्टर एक्स होंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर बॉय ने ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन को मिस्टर एक्स को दे दिया था। क्लियर? चलो अब सिचुएशन टू मान लो इस प्रॉपर्टी पे पहले से ही कोई क्लेम चल रहा था, ठीक है, मिस्टर बॉय ने सभी इंफॉर्मेशन को बता दिया था मिस्टर एक्स को, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी क्लेम चल रहा है। मिस्टर एक्स ने अपने तरफ से भी कोई एफर्ट्स नहीं लगाया और प्रॉपर्टी को इमीडिएटली परचेज कर दिया। बाद में उन्हें पता चल रहा है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी क्लेम है, तो लाइबल कौन है? देखो सबसे पहले लाइबल है मिस्टर एक्स। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, मतलब इन्होंने अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाया प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स विल बी हेल्ड लाइबल और बाद में मिस्टर बॉय। क्लियर? तो ये है पूरा नोटिस का इंपॉर्टेंस। नोटिस का मतलब है टू हैव नॉलेज अबाउट सर्कमस्टांसेस, टू हैव नॉलेज अबाउट ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज। क्लियर? चलिए अब अगर हम नोटिस के टाइप्स को देखें तो नोटिस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्चुअल और एक्सप्रेस्ड नोटिस और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, चलो देखो एक्चुअल और एक्सप्रेस्ड नोटिस में क्या होता है। जो नॉलेज ऑफ फैक्ट है इज एक्सप्रेसली गिवन बाय द पर्सन। ये क्या होता है? क्लियर और डेफिनेट होता है। एग्जांपल के लिए मान लो मिस्टर बॉय ने सभी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी रिटन या ओरल में मिस्टर एक्स को दे दिया था, तो यानी मिस्टर बॉय ने अपने को एक्सप्रेस किया, इन्होंने क्या किया, सभी इंफॉर्मेशन को दे दिया। तो ये क्या है? एक्चुअल नोटिस। इट इज क्लियर एंड इट इज डेफिनेट। तो एक्चुअल नोटिस क्या होता है? क्लियर होता है, डेफिनेट होता है, नॉट हियर से, सुनी सुनाई बातें नहीं होती है। कैन बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, ये रिटन और ओरल फॉर्म में हो सकता है। ये सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, मतलब अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर बॉय के बीच प्रॉपर्टी का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो जो इंफॉर्मेशन है, जो नोटिस है, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, इधर उधर का नोटिस नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट क्या है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज। यहां पे क्या होता है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज होता है, मतलब जो कॉन्वर्सेशन होगा वो पार्टीज के बीच होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन उसे समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्चुअल नोटिस को समझते हैं। मान लो मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स मान लो ये टीनेज है, मिस्टर बॉय हाउस होल्ड। अब मिस्टर एक्स टीनेंट है, मिस्टर बॉय के रूम में मान लो रह रहे हैं। अब मिस्टर बॉय के हाउस का जो डोर है इट इज नॉट इन गुड कंडीशन, वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। अब मिस्टर एक्स ये जो डोर वाली बात है ये डायरेक्टली मिस्टर बॉय से ना कहकर अपने किसी नेबर या किसी रिलेटिव से कहते हैं, तो क्या ये एक्चुअल नोटिस है? नो, इट इज नॉट एक्चुअल नोटिस, ये एक्चुअल नोटिस नहीं। क्लियर? चलो तो ये होता है
एक्चुअल नोटिस। एक्चुअल नोटिस कब होगा? जब मिस्टर एक्स क्लियरली इस बात के बारे में कॉन्वर्सेशन करेंगे मिस्टर वॉइस से। चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। देखो कह रहा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में नॉलेज ऑफ फैक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली गिवन बट इंप्यूटेड टू द पार्टी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यहां पे क्या होता है, जो फैक्ट के बारे में नॉलेज है इट इज नॉट एक्सप्रेसली गिवन बाय द पार्टी, लेकिन क्या कह रहा है इंप्यूटेड। इंप्यूटेड का मतलब होता है अध्यारोपित करना या आरोपित करना, बट इंप्यूटेड टू द पार्टी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं कि आपको उस फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर बॉय, मिस्टर एक्स मिस्टर बॉय के इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते थे। अब मिस्टर बॉय ने कहा कि इस प्रॉपर्टी का जो पेपर है वो क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट है और आप चाहो तो जाकर के डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। लेकिन मिस्टर एक्स लेजी पर्सन है, उनके पास उतना टाइम नहीं है और ये सोच रहे हैं कि चलो बैंक के पास है तो किसी भी टाइम मैं जा करके देख लूंगा। और इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, बाद में पता चल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर केप्ट एज सिक्योरिटी ऑन लोन। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हु विल बी हेल्ड लायबल? मिस्टर एक्स विल बी हेल्ड लायबल, क्योंकि मिस्टर बॉय ने हिंट कर दिया था, इन्होंने बता दिया था कि आपको अगर जाना है तो आप जाके चेक कर लो। तो इट फॉर्म्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस बट ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस मिस्टर एक्स ने डॉक्यूमेंट नहीं देखा एंड सो ही इज हेल्ड लायबल। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर? चलिए अब एक केस है, हैविट वर्सेस लूज मोर का केस। देखो हैविट वर्सेस लूज मोर का केस है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा, इट वॉज हेल्ड दैट कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑल्सो रिगार्डेड एज ए डेफिनेट एंड स्ट्रॉन्ग नोटिस एंड कैनॉट बी रिब्यूटेड। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस को भी हम डेफिनेट और एक्चुअल नोटिस मानेंगे और आप इसे रिब्यूट नहीं कर सकते, मतलब आप इसका खंडन नहीं कर सकते कि साहब मेरे पास तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिस्टर बॉय आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यू कैन गो इन बैंक एंड यू कैन चेक द डॉक्यूमेंट, लेकिन आप अपने बेनिफिट के लिए क्या करें, अपने लेजनेस की वजह से आप जाकर नहीं चेक करें। तो ये कहता है कोर्ट, कहता है हैविट वर्सेस लूज मोर के केस में कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी क्या है, डेफिनेट है और आप इसे रिब्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? चलो अब देखो, क्योंकि यहां पे क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके पास नोटिस होना चाहिए था। तो चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के पांच टाइप्स होते हैं या पांच एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका विलफुल एब्सटेंशन, दूसरा ग्रॉस नेग्लिजेंस, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा एक्चुअल पोजीशन और पांचवा नोटिस टू एजेंट। चलिए इन्हें हम समझ लेते हैं। देखो विलफुल एब्सटेंशन का मतलब क्या है कि आप यू वर फ्री, आप फ्री थे, आप इंक्वायरी और कह सकते हो कि सर्च कर सकते थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे, लेकिन यू हैव If you have gathered all information about property or seller have provided you every relevant information, if any problem arising, you will be held responsible. यानी कहना है ये willful abstention है, यानी आप inquiry कर सकते हो, search कर सकते हो और property से related सब informations को gather कर लेते हो। और in case मान लो कि जो seller है उसने कोई information आपसे छुपाया है तो ऐसे condition में वो liable होगा, लेकिन अगर आप सभी इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करते हो तो ये आपका फॉल्ट है। क्लियर? तो ये है आपका टाइम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहला विलफुल एब्सटेंशन, इसका क्या है एलिमेंट है। दूसरा क्या है? ग्रॉस नेग्लिजेंस। आप जैसे मान लो यहां पे क्या था, ग्रॉस नेग्लिजेंस था, मिस्टर एक्स जानबूझकर बैंक में नहीं जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहा है, तो ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। क्लियर?
तीसरा क्या है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कहता है कि इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब यह है कि उससे अटैच मतलब रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किया था उन सभी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और रजिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, जो रजिस्टर्ड हो गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर वो रजिस्टर्ड हो गया है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे, तो इसका मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज है। क्लियर। और लास्ट फोर्थ क्या है एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन में ये कहता है कि आपको बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन किसके पास है। अगर मान लो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन ओनर के पास नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर ले रहे हो तो ऐसे कंडीशन में यू विल बी हेल्ड लाइबल। ठीक है, ये आपकी फॉल्ट है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि एक्चुअल पोजीशन उस प्रॉपर्टी का किसके पास है। और लास्ट कह रहा है नोटिस टू एजेंट। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई केयर टेकर है वो कोई डिसीजन लेता है तो ये माना जाएगा कि ओनर के पास भी उसका इंफॉर्मेशन था। नोटिस टू एजेंट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं एजेंट भी होते हैं। यानी अगर कोई एक पार्टनर कोई एक्ट करता है तो इसका मतलब अदर पार्टनर्स को भी उस एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था। उसी तरह अगर कोई पर्सन जो जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो कोई काम करता है तो इसका मतलब क्या है जो प्रिंसिपल है जो ओनर है उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन था। क्लियर। चलिए तो अब हम समझते हैं नोटिस को कैसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। चलो सर डिफाइन क्या गया है। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ फैक्ट। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ फैक्ट। आगे विच ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। अब देखो यहां पे डायरेक्ट एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस को डिफाइन किया गया है। पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ फैक्ट व्हिच ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। ठीक है, आगे क्या है और विल बट फॉर विलफुल एब्सटेंशन। विलफुल एब्सटेंशन From inquiry or search, or gross negligence, he would have done it. यानी यहां पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बात किया गया। कह रहा है या तो उसे विलफुल एब्सटेंशन के तहत मतलब इंक्वायरी करके सर्च करके उसे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए था, या ग्रॉस नेग्लिजेंस के चलते उसे उसे उस फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए था लेकिन ग्रॉस नेग्लिजेंस के चलते उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो यानी यहां पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बात किया जा रहा है और यहां पे एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर आपको ये सभी सिनारियो समझ में आ रहे हैं तो आप आसानी से इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ अच्छा सीखा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो।